हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बैंकिंग सर्विसेज एंड टाइप्स ऑफ बैंक। तो बैंकिंग के बारे में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो है, बैंकिंग इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ इंगेज्ड इन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, मेकिंग लोन्स एंड अदर सर्विसेज। एंड टाइप्स ऑफ बैंक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक वो बैंक है जो अपने मेंबर्स को चीप क्रेडिट पर लोन्स अवेलेबल करवाता है, उन मेंबर्स को जिनको वो टाइम टू टाइम डेवलपमेंट के लिए या उनके इन्हेंसमेंट के लिए वो लोन प्रोवाइड करता है। ओके, स्पेशलाइज्ड बैंक फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल बैंक है ना, देन वी हैव इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज़ RBI। RBI जो है वो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है और उसी के अकॉर्डिंग जो सारे बैंक्स हैं वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। देन वी हैव इज़ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक जो है वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म्स लोन प्रोवाइड करता है और इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी को डेवलप करने का जो दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कमर्शियल बैंक प्ले करता है। ओके, आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस क्या हैं और उन्हें हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक के फंक्शंस को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। द फर्स्ट पार्ट वी हैव इज प्राइमरी फंक्शन एंड द सेकंड वन वी हैव इज सेकेंडरी फंक्शन। ओके, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शंस को भी हम लोगों ने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, वन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड नंबर टू इज ग्रांटिंग लोन्स। नंबर वन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में हमने इसको पढ़ना है सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट्स। ओके, तो अगर हम लोग सेविंग अकाउंट्स की बात करें तो सेविंग अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं और अपने अकाउंट वहां ओपन करवाते हैं और वो अकाउंट का नाम होता है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में हम लोग टाइम टू टाइम कुछ अमाउंट को सेव करते हैं और जब फ्यूचर में ज़रूरतें होती हैं तो हम उसे वहां से विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो है हर व्यक्ति खुलवा सकता है अपना सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट वी हैव इज करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट बेसिकली बिजनेसमैन जो होते हैं वो लोग ओपन करवाते हैं जिनका लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन टाइम टू टाइम होते रहता है। लेकिन सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में एक डिफरेंस ये है कि हमें सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है बैंक के द्वारा, लेकिन करंट अकाउंट में जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनको बैंक के द्वारा इंटरेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन जब भी अगर हम सेविंग अकाउंट से लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सेम थिंग विल अप्लाई इन करंट अकाउंट होल्डर। द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट वही है कि कुछ टाइम के लिए हमने वहां पर अमाउंट को जमा करना है और जब मैच्योरिटी हो जाएगा तो वहां से हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव इज ग्रांटिंग लोन्स। द फर्स्ट वन वी हैव इज ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट क्या है कि मान लेते हैं कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई डील करना है, जितना का कॉन्ट्रैक्ट होना है उतना अमाउंट हमारे बैंक में नहीं है या हमारे अकाउंट में नहीं है, तो बैंक उस समय हमें ये फैसिलिटी देता है कि आपको जितनी ज़रूरतें हैं पैसे की आप उसे विड्रॉ कर सकते हो, बट आफ्टर डैट आपको उतना डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है ये बैंक केवल करेंट अकाउंट होल्डर्स को ही प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो उनका ट्रांजेक्शन होना होता है वो लार्ज अमाउंट का होता है, वो लोग लार्ज अमाउंट का ट्रांजेक्शन करते रहते हैं। तो सेविंग अकाउंट वालों को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं मिलता है, ये फैसिलिटी केवल और केवल करेंट अकाउंट होल्डर्स को होता है। देन वी हैव इज लोन्स एंड एडवांस। बैंक जो है हमें डेवलपमेंट के लिए या हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए टाइम टू टाइम लोन प्रोवाइड करता है। एक बिजनेसमैन है, उसने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया, जितना उसने कैपिटल उसमें लगाया ज़रूरी नहीं कि वो कैपिटल उसके लिए सफिशियंट हो, तो वो बैंक से जाकर के लोन्स ले सकता है और लोन लेने के बाद वो अपने बिजनेस में लगा सकता है। ओके, द नेक्स्ट वन वी हैव इज सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शंस को हम लोगों ने चार पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, नंबर वन इज एजेंसी फंक्शन।
एजेंसी फंक्शन में हमने देखना है कलेक्शन ऑफ चेक्स, बिल्स और एक्सेट्रा, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, चेक को कलेक्ट करता है, कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड बिल्स। जिसका वहां खाता होगा, जिसका वहां अकाउंट होगा, वो क्या करता है, अपने क्रेडिटर्स को चेक दे देता है कि आप जाइए और जाकर के वहां से पैसा आप निकाल सकते हो, तो चेक के माध्यम से। तो बैंक चेक कलेक्ट करता है, बिल कलेक्ट करता है। देन वी हैव इज मेकिंग एंड कलेक्टिंग पेमेंट। बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस को इन्हेंस करने का। एक तरफ तो वो बैंक को, एक बिजनेस को वो लोन प्रोवाइड कर रहा है, और ऑन द सेकेंड हैंड वो क्या कर रहा है, पेमेंट भी कर रहा है। किसके बिहाफ में, बिजनेस के बिहाफ में, या जिस बिजनेसमैन का अकाउंट उस बैंक में होगा उसने बैंकर को बोल दिया होगा कि दिस इज माई क्रेडिटर, दे आर माई क्रेडिटर। तो आप उन्हें टाइम टू टाइम क्या करोगे, उन्हें पेमेंट भी करोगे, और जितने भी लोग हैं आप उनसे पेमेंट कलेक्ट भी करोगे। तो बैंक पेमेंट कर भी रहा है और पेमेंट को कलेक्ट भी कर रहा है। किसके बिहाफ में, बिजनेसमैन के बिहाफ में, और बिजनेस के बिहाफ में वो अपना फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। ओके, कलेक्टिंग पेमेंट्स एंड कलेक्टिंग पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के अगेंस्ट में बैंक क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। क्या कलेक्ट कर रहा है, पेमेंट कलेक्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव इज मिसिलीनियस फंक्शन। इन मिसिलीनियस फंक्शन द फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज लॉकर फैसिलिटी। बैंक जो है वो अपने होल्डर्स को, अकाउंट होल्डर्स को लॉकर फैसिलिटी देता है। वहाँ पर जाकर के हम अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ज्वेलरी या कुछ और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम वहाँ जाकर के सेफ में रख सकते हैं, और वो बैंक उन्हें ही यूज़ करने के लिए देता है जिनका वो लॉकर होता है या जिन व्यक्तियों का वहाँ पर अकाउंट होता है। ये ज़रूरी नहीं कि अगर बैंक में अकाउंट है तो हमने वहाँ लॉकर फैसिलिटी यूज़ कर लिया। आपको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि हमें ये लॉकर फैसिलिटी यूज़ करना है, देन उसके लिए एक प्रोसीजर और एक फॉर्म होता है। तो बैंक में हम लॉकर फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, बैंक अपने होल्डर्स को, अकाउंट्स होल्डर को ये फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है। देन वी हैव इज फॉरेन एक्सचेंज, इशूइंग डिमांड ड्राफ्ट एंड चेक्स एंड स्टॉक एंड इन्वेस्ट। बैंक जो है ये इन सारे फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है, इशू करता है डिमांड ड्राफ्ट, चेक्स, ये सारा कुछ क्यों करता है, ताकि जो हम अपने फाइनेंस के हिंड्रेंस है या फाइनेंशियल हिंड्रेंस जो है हम उसे दूर कर पाए। हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन अगर उसमें टाइम लगता है, टाइम हमारा कंज्यूम हो रहा है, तो वो चीज़ें हो सकती है डिले हो जाएगा और वो परफेक्टली नहीं हो पाए। और जिस काम के लिए हमने चीज़ों को लगाया है वो हो सकता है सिस्टमैटिक वे में नहीं हो पाए। नेक्स्ट वी हैव इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ई बैंकिंग जो है वो क्या फैसिलिटी देता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम। हम लोग अगर ई बैंकिंग यूज़ करते हैं तो ई बैंकिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं फंड को, पैसे को, फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट और वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में हम लोग फंड को ट्रांसफ़र करते हैं, और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के माध्यम से हम लोग फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जो फंक्शन है, ये जो फैसिलिटी बैंक ने प्रोवाइड किया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है, बहुत अहम फैसिलिटी है। क्योंकि अगर हम लोग ई बैंकिंग को यूज़ करते हैं या ई बैंकिंग सर्विसेज को हम लोग यूज़ करते हैं, उसके कारण जो हमारे प्रॉब्लम्स है, हमारा टाइम कंज्यूमिंग है, वो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप कहीं एक जगह जाओ तब जाकर के आप वहाँ पे इन सारी चीज़ों को कर सकते हो। अगर आप कहीं भी हो, आपको अगर फ़ंड को ट्रांसफ़र करना है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो हम लोग ईजिली कर सकते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव इज ATM। बैंक ने अपने अकाउंट्स होल्डर को ATM फैसिलिटी भी दिया है। पहले हम लोग क्या करते थे, एक बैंक में जाते थे, जिस बैंक में हमारा अकाउंट होता था तो उसके ब्रांच में जाते थे, ब्रांच में जाकर के स्लिप भर, हम लोग स्लिप को, स्लिप में सारा इन्फॉर्मेशन भरते थे, देन जाकर के हम लोग काउंटर पर से पैसा विड्रॉ करते थे।
उसमें टाइम कंज्यूमिंग था, वहाँ पर हमें लाइन लगना पड़ता था और जो बैंक था वो 10 से 5 ही काम करता था, तो हमें टाइम को भी मेंशन करना था। लेकिन जब से एटीएम फैसिलिटी बैंक ने प्रोवाइड किया है, तो एटीएम फैसिलिटी के कारण हम क्या करते हैं, कहीं भी हो हम उस फैसिलिटी को ईजिली यूज़ कर सकते हैं, पैसा कहीं से भी हम विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक हमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और भी बहुत सारे कार्ड इश्यूज़ करता है। देन वी हैव इज कलेक्टिंग स्टैटिक्स। तो ये हमारा था फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज, जिसे हम ई बैंकिंग भी बोलते हैं। ओके, ऑनलाइन बैंकिंग ऑल्सो नोन एज इंटरनेट बैंकिंग। जो हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं उसे हम इंटरनेट बैंकिंग या ई बैंकिंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम डैट इनेबल्स कस्टमर्स ऑफ अ बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू कंडक्ट अ रेंज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज वेबसाइट। ओके, हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं, हम जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं, वो हम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। ओके, उसी को हम ई बैंकिंग भी बोलते हैं, जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं। अगर हमें पेमेंट करना भी होगा तो कैसे करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से करेंगे, इंटरनेट के माध्यम से करेंगे, फ्रॉम वन बैंक टू अनदर और फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। अपने कस्टमर को ये फैसिलिटी क्यों प्रोवाइड करवाया बैंक ने, क्या पर्पस था, तो बैंक चाहता था कि जो उसका लोड है वो थोड़ा कम हो जाए, और जो बिजनेसमैन है, कस्टमर्स हैं, बिजनेसमैन के अलावा जो जनरल पीपल हैं, जनरल पब्लिक है, उन्हें वो फैसिलिटी यूज़ करने का मौका मिले और जो उनका लाइफ है वो थोड़ा इजी हो जाए। अगर हमें ई बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं थी, पहले हमें क्या करना होता था, बैंक जाते थे हम, जिस बैंक या जिस बैंक के ब्रांच में हमारा अकाउंट होता था वहाँ जाते थे हम, एक टाइम बाउंडेशन था हमारे पास, उसी टाइम के अंदर हमें जाकर के अपने ट्रांजेक्शन्स को पूरा करना होता था। अगर हमने मनी को विड्रॉ करना था तब भी हमें वहाँ अवेलेबल होना था, अगर हमें डिपॉजिट करना था तब भी हमें वहाँ अवेलेबल होना था, और हमें अगर अपना पासबुक अपडेट भी करना था तब भी हमें वहाँ पर जाना होता था। लेकिन जब से ई बैंकिंग फैसिलिटी बैंक ने प्रोवाइड करवाया है, जब से हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम या ये सर्विस अवेलेबल हुई है, तब से जो हमारा बिजनेस है वो थोड़ा और इजी हो गया है, या बिजनेस से रिलेटेड जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो अब बहुत स्मूथली हम कर सकते हैं। हमें बैंक में जा कर के घंटों लाइन लगने की आवश्यकता नहीं है, हमें वहाँ पर ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है, हम जब भी चाहेंगे हम तभी भी घर में बैठ करके, ऑफिस में रह करके अपने ट्रांजेक्शन्स को पूरा कर सकते हैं, बिल का पेमेंट कर सकते हैं, बिल का पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम घर बैठ करके या ऑफिस में बैठ करके कर सकते हैं, इसके लिए हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बैंक में लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ईजिली कर पाएंगे, जिस कारण जो हम बिजनेस में ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। ओके, बिजनेस तभी डेवलप करता है जब हम बिजनेस के हर एक पॉइंट पर इंडिविजुअली फोकस करते हैं। अगर हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लेकर ही ज़्यादा परेशान रहेंगे और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम अगर हम उसमें देंगे, तो बिजनेस में बहुत और डिपार्टमेंट्स है जो हमने टाइम टू टाइम इंश्योर करना है कि वहाँ पर जो काम हो रहा है क्या वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर हम ज़्यादा टाइम अगर अपना ऑफिस में बिताएंगे तो वो अच्छा रहेगा बिजनेस के लिए, लेकिन अगर उसी में से हम 4-5 घंटा केवल बैंक में ही लगा देते हैं तो हमारा जो काम है वो थोड़ा डिले हो जाता है। तो बिजनेस में अगर ई बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी या सर्विसेज को जो हम यूज़ करते हैं वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्यों होता है, क्योंकि हमें बिजनेस में जो काम करना है वो सारा का सारा काम फाइनेंस से रिलेटेड होता है। अगर हमने बिजनेस में मशीनरी भी परचेस करना है तभी हम कर पाएंगे जब हमारे पास कैपिटल होगा, रॉ मटेरियल परचेस करना है तभी कर पाएंगे जब हमारे पास फाइनेंस होगा। तो बेसिकली हमें जो चीज़ भी चाहिए तो सारा कुछ अवेलेबल हो पाएगा, ऑल बिकॉज ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंस
हमने चाहिए और फाइनेंस के माध्यम से ही हम अपने हम अपने बिजनेस के पर्पस को पूरा कर पाएंगे। अगर हमने कोई चीज़ परचेस करना है और वो कहीं और है और हमारा बिजनेस कहीं और है, तो हम वहाँ जाकर के परचेस करेंगे नहीं, हम वहाँ जाकर के पेमेंट करेंगे नहीं। जब से ई बैंकिंग आया है हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण जो हमारा टाइम है वो बहुत ज़्यादा सेफ होने लगा है। नाउ वी हैव इज बेनिफिट टू कस्टमर्स। अब अगर ई बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसमें कस्टमर्स को क्या बेनिफिट हो रहा है या उन लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है जो ई बैंकिंग फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हैं। कुछ अगर फ़ायदा होगा तभी तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं, वरना हम इसको क्यों यूज़ करते। हम उन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं जहाँ पर हम अपने कामों को ईजिली करने का प्रयास करते हैं। नंबर वन इज़ डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। With e-banking, there is possibility of digital payment. It promote transparency in financial statement. अगर हम बात करते हैं डिजिटल पेमेंट की और ट्रांसपेरेंसी की, तो e-banking जो है वो क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है या वो एक ट्रांसपेरेंसी प्रमोट्स करता है जिसके अंदर जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम ईजिली अपडेट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए। अगर हम कोई भी काम करते हैं और उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है तो हम श्योर नहीं हो सकते जो हमने किया वो ठीक था या जो होने वाला है क्या वो ठीक होगा। तो ट्रांसपेरेंसी होने से क्या होता है, हम ईच एंड एवरी पॉइंट पर ईजिली डिस्कशन कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर हम ईजिली एक रिव्यू दे सकते हैं और उसके बारे में हम लोग कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हैं। तो ई बैंकिंग जो है वो ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है, हमने कब पेमेंट किया, किसको पेमेंट किया, जितना भी स्टेटमेंट है वो सारा का सारा स्टेटमेंट क्या होता है, हमें ईजिली अवेलेबल हो जाता है, हमें ज़्यादा बॉदरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज 24/7 सर्विसेज। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स 24 आवर्स 365 डेज अ ईयर सर्विस टू द कस्टमर ऑफ अ बैंक। बैंक जो है वो अपने कस्टमर को 24 आवर सर्विस प्रोवाइड करता है और होल ईयर प्रोवाइड करता है। ओके, 24 आवर क्यों प्रोवाइड करता है, बैंक का तो काम है। अगर हम बैंक के ब्रांच में जाएंगे तो वहाँ पर एक टाइम है, उसी टाइम के अंदर बैंक काम करता है। बैंक का मान लेते हैं टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक ही बैंक काम करता है, 10 AM to 5 PM ये बैंक का वर्किंग आवर है। बैंक इसी टाइम के अंदर काम करता है। अगर हम 5 बजे के बाद बैंक जाते हैं या 10 बजे से पहले बैंक जाएंगे तो वहाँ पर तो वर्कर्स अवेलेबल नहीं होंगे, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ तो अवेलेबल नहीं होंगे। फिर अगर हमें बिजनेस से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन करना होगा तो हम कैसे कर पाएंगे, अगर किसी को पेमेंट करना होगा तो हम कैसे पेमेंट कर पाएंगे। अगर हमें किसी टेक्नोलॉजी को परचेस किया है और उसके लिए हमारा जो सप्लायर है वो तुरंत पैसे मांग रहा है लेकिन टाइम तो ख़त्म हो गया है, तो हम कैसे उसको पेमेंट कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा था जब हम ई बैंकिंग को यूज़ नहीं कर रहे थे। लेकिन जब से हमने ई बैंकिंग फैसिलिटी को यूज़ करना शुरू किया है, इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम को यूज़ करना शुरू किया है, तब से जो हमारा वर्किंग आवर है वो बढ़ गया है। अब वर्किंग आवर 10 to 5 नहीं रहा, वो 24/7 यानी 2400 घंटे और पूरे ईयर पूरे साल हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो टाइम का बॉन्डेशन था, जो टाइम का लिमिट था, वो टाइम का लिमिट इसमें ख़त्म हो गया। क्योंकि आज हम लोग बहुत ज़्यादा हर सेक्टर में डेवलप कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं कि हमने टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट कर दिया तो किसी और सेक्टर को छोड़ देते हैं, या हमने एजुकेशन में ज़्यादा डेवलप कर लिया तो हेल्थ इशू को छोड़ देते हैं, या हेल्थ इशू में ज़्यादा डेवलप कर दिया तो किसी और चीज़ को हम लोग छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है और ऐसा हम नहीं करते भी हैं, क्योंकि अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमें हर सेक्टर में वैसा ही डेवलपमेंट करना होगा कि हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो पाए।
अगर हम बिजनेस का ही केवल बात करें तो बिजनेस से अगर जो लोग आएंगे या जो बैंक के कस्टमर होंगे वो तो चाहेंगे कि हमारा हर काम बहुत ईजिली हो जाए, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें टाइम बाउंडेशन को ही ख़त्म कर देना होगा। अगर आज हम इंटरनेट यूज़ करते हैं मोबाइल में या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, तो वहाँ पर हमें जो चीज़ सर्च करना होता है हम लोग ईजिली जा कर के सर्च कर लेते हैं, कभी भी सर्च कर लेते हैं। लेकिन अगर वही पेमेंट की बारी आई और हमें पेमेंट अगर टाइम के अंदर करना पड़े और टाइम हमारा ख़त्म हो जाए, तो सप्लायर हो सकता है कि सेकंड टाइम हमें उतनी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम लोग एज़ पर द डिमांड और एज़ पर द एक्सपेक्टेशन अगर हम लोग सप्लायर्स के पेमेंट्स को पूरा करते हैं, पेमेंट को हम लोग टाइम टू टाइम अगर उसे देते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो हमारे और भी बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट वी हैव इज़ कन्वीनियंस। कस्टमर कैन मेक सम ऑफ द परमिटेड ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑफिस और हॉज वाइल ट्रैवलिंग थ्रू मोबाइल फोन्स। ओके, कस्टमर कैन मेक सम ऑफ द परमिटेड ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से कर सकता है, घर से कर सकता है, या जब वो ट्रैवल कर रहा है तब भी कर रहा है, कब भी कर सकता है। हमने देखा कि इसके लिए अब हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें पहले कोई भी ट्रांजेक्शन करना होता था तो हम बैंक जाते थे, बैंक में जा कर के हम लाइन लगते थे, जब हमारा नंबर आता था तो हम विड्रॉ या डिपॉजिट करते थे। तो इसके लिए टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम हमारा कंज्यूम हो रहा था। लेकिन जब से ई बैंकिंग फैसिलिटी आया है या ई इंटरनेट सिस्टम को हम लोग यूज़ करना शुरू किया है, तो हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ईजिली। कहाँ पे रह करके हम लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, हम लोग ऑफिस में रह करके। अगर हम लोग कोई ऑफिस का काम भी कर रहे हैं और उस टाइम कोई सप्लायर ने बोला है कि सर हमें पेमेंट कर दीजिए, तो हम ऑफिस में बैठकर भी उस सप्लायर को पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होगी, इसके लिए हमें बैंक में लगने की आवश्यकता नहीं होगी, बैंक में लाइन। तो हम लोग ऑफिस में बैठ करके अपने ऑफिस के दूसरे कामों को भी करेंगे और साथ में हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं, हम लोग पेमेंट कर सकते हैं और एट अ टाइम पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं अपने अकाउंट में। घर में अगर है तो घर में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, हम लोग ईजिली कर सकते हैं। अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जिस टाउन में या सिटी में हमारा जो अकाउंट है हम वहाँ अवेलेबल नहीं है, हम किसी और सिटी में हैं लेकिन हमें ट्रांजेक्शन करना है, तो कैसे करेंगे, क्या हम वापस आएंगे तब करेंगे? नहीं, हम अगर ट्रैवल कर रहे हैं, बस में हैं, कार में हैं, तो वहाँ भी हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, या किसी और हम सिटी में हैं तो वहाँ भी रह करके हम लोग ईजिली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ई बैंकिंग इनकलकुलेट्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। अगर हम लोग ई बैंकिंग फैसिलिटी को यूज़ करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट होता है कि हमें ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो सारा ट्रांजेक्शन एट अ टाइम हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। पहले हमें बैंक जाना होता था और अपने बैंक पासबुक को अपडेट करना होता था, देन ओनली हम लोग जान पाते थे कि हमने कब और किसके साथ कितना ट्रांजेक्शन किया था। बट जब से ई बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल हुआ है या इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल हुआ है, तब से हमारे पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन या रिकॉर्ड जो है वो एट अ टाइम अवेलेबल हो जाता है। हम जब भी उसको करते हैं, जब भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई हमें पेमेंट कर रहा है या हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो सारा जो रिकॉर्ड है वो हमारे मोबाइल पर, हमारे लैपटॉप पे या हमारे डेस्कटॉप पे अवेलेबल हो जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर फिफ्थ, अनलिमिटेड एक्सेस। ई बैंकिंग लीड्स टू ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाई ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक, नॉट लिमिटेड टू द वॉल्स ऑफ द ब्रांच। ओके, पहले हम लोगों को कोई भी ट्रांजेक्शन करना होता था तो हम लोग बैंक के ब्रांच में जाते थे। तो बैंक के ब्रांच में कहाँ जाते थे, जहाँ जिस बैंक के ब्रांच में हमारा अकाउंट होता था, तो हम लोग पर्टिकुलर उस बैंक के ब्रांच में जा कर के वहाँ पर ट्रांजेक्शन किया करते थे। तो बैंक में जाते थे तो वो एक लिमिटेड एरिया था, हमारा ऑफिस कहीं और है, घर कहीं और है, और हमें टाइम वहाँ देना पड़ता था उस बैंक के ब्रांच में, देन ओनली हम लोग वहाँ पर जाकर के अपने ट्रांजेक्शन्स को
कर पाते थे, तो वो एक लिमिटेड एरिया था, एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही हम अपने कामों को पूरा करते थे। लेकिन जब से इंटरनेट बैंकिंग आया है या ई बैंकिंग आया है, जो दीवारें हैं ब्रांचेस की, जो वॉल्स है, वो क्या हो गया, अनलिमिटेड हो गया। पहले हमारे पास लिमिटेड एरिया था, लिमिटेड क्राइटेरिया में हम लोग काम किया करते थे, बट आफ्टर द इंटरनेट फैसिलिटी हम लोगों के पास अनलिमिटेड नेटवर्क्स हो गया है, और उसी नेटवर्क के आधार पर हम लोग कहीं भी रह करके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जिस टाउन या सिटी में आपका अकाउंट होगा या जिस टाउन के ब्रांच में आपका अकाउंट होगा, आपको वहाँ पर जाकर के ट्रांजेक्शन करना होता था, बट अभी आप किसी और सिटी में हो तो आप क्या ट्रांजेक्शन नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे। कैसे करोगे, हम लोग ई बैंकिंग फैसिलिटी को यूज़ करके अपने ट्रांजेक्शन्स को पूरा कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज लेस रिस्क। देयर इज अ ग्रेटर सिक्योरिटी टू कस्टमर एज दे कैन अवॉइड ट्रैवलिंग विथ कैश। हम लोग पहले कहीं भी ट्रैवल करते थे या कहीं भी विजिट करते थे तो कैश के साथ जाते थे, कैश लेकर के हम लोग ट्रैवल करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था कि हमारे पास एटीएम फैसिलिटी है या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी अवेलेबल होता था, तो हम लोग उसी के आधार पर जितना टाइम हमें वहाँ रुकना था या हम लोग एक एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करते थे कि इतने दिनों में हमारा इतना एक्सपेंस होगा, तो उसी के आधार पर हम लोग कैश को लेकर के जाते थे। लेकिन जब से इंटरनेट फैसिलिटी आया है तो हम लोगों ने कैश के साथ ट्रैवल करना कम कर दिया है। तो कैश के साथ अगर पहले हम ट्रैवल करते थे तो रिस्क होता था, हो सकता था कोई हमारा कैश हमसे ले ले, तो कैश को खोने का भी डर होता था। लेकिन अगर हम लोग एटीएम को साथ लेकर के जाते हैं या इंटरनेट फैसिलिटी यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास कैश नहीं होता है, बट हम लोग अपने एक्सपेंसेस को बेयर कर सकते हैं ईजिली, उसमें कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना होता था। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज बेनिफिट्स टू बैंक। ओके, द फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज अनलिमिटेड नेटवर्क। ई बैंकिंग प्रोवाइड अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक एंड इज नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेज। हम लोगों ने अगर कस्टमर के बेनिफिट्स के बारे में देखा तो कस्टमर को अनलिमिटेड नेटवर्क मिल रहा है, जहां पर वो कहीं भी हो वो अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को पूरा कर सकता है। उसी तरीके से बैंक को भी ये फैसिलिटी अवेलेबल होता है। कैसे होता है, पहले बैंक का एक एरिया था और उसी एरिया में वो अपना काम किया करता था, इम्प्लॉयज़ उस एरिया में जाते थे या उस सेक्टर में जाकर के अपने कामों को पूरा करते थे। लेकिन जब से इंटरनेट फैसिलिटी आया है तो बैंक का जो काम है वो थोड़ा रिड्यूस हो गया है, ओवरलोड जो था वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, और बैंक को भी अनलिमिटेड नेटवर्क अवेलेबल हो गया है। बैंक कस्टमर के साथ कहीं भी रह करके डील कर सकता है, कहीं भी उसके कस्टमर हो, ज़रूरी नहीं कि आपका अकाउंट जिस जगह है आपने उसी जगह अवेलेबल होना है। तो नेटवर्क अनलिमिटेड हो गया है, बैंक का जो काम था वो पहले लिमिटेड होता था। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज रिड्यूस लोड ऑन ब्रांचेस। ब्रांचेस का जो लोड है वो टाइम टू टाइम और आई कैन से इंटरनेट फैसिलिटी आने के बाद थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है वर्कलोड। द लोड ऑन ब्रांचेस कैन बी रिड्यूस बाई एस्टैब्लिशिंग सेंट्रलाइज डेटा बेस्ड। ओके, अब जो यहाँ पर कंट्रोल हो रहा है क्या, किस बेसिस पे हो रहा है, सेंट्रलाइज डेटा बेसिस पे हो रहा है। कस्टमर अपने हिसाब से इंटरनेट फैसिलिटी को यूज़ कर रहा है, अपने हिसाब से ट्रांजेक्शन वो कर रहा है। जहाँ पर हमारे पास अनलिमिटेड नेटवर्क है ब्रांचेस के पास और अनलिमिटेड एक्सेस है हमारे कस्टमर्स के पास, एट द सेम टाइम वहाँ पर हमें ये समझ में आएगा जो लोड था, जो ब्रांच का जो लोड था वो टाइम टू टाइम कम होना शुरू हो गया है। देन एंड टेकिंग ओवर सम ऑफ द अकाउंटिंग फंक्शंस। अब हम लोग अगर डिजिटल पेमेंट की बात करें तो कौन कौन से मेथड से हम लोग डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन वी हैव इज डेबिट कार्ड एंड द सेकंड वन वी हैव इज क्रेडिट कार्ड एंड द थर्ड वन वी हैव इज निफ्ट। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एंड द लास्ट वन वी हैव इज डिजिटल कैश। तो ये हमारा था इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज, जो
कस्टमर्स और बैंक्स को कैसे अपनी सर्विसेज के माध्यम से उन फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करवाता है जिसके अंदर हम अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन को इजीली कहीं भी रह करके पूरा कर सकते हैं। थैंक यू।